नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानते हैं आज के इस वीडियो में 20 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। दैनिक राशि भविष्य की जानकारी में मित्रों, यहाँ पर जो राशि भविष्य हम लोग बताते हैं ये चंद्र राशि के अनुसार आपका राशि भविष्य है। तो जिनको मालूम है कि जन्म के समय चंद्र आपका किस राशि में था, तो वो राशि के अनुसार आप यहाँ पर राशि भविष्य देख सकते हैं। जिनको अपनी चंद्र राशि या तो जन्म नाम राशि मालूम नहीं है, वो लोग अपने जो बोलने वाला नाम है, जो मतलब आपके परिवार में, आपके समाज में जो आपका नाम बोला जाता है, आपका नाम प्रचलित है, वो नाम के पहले अक्षर के हिसाब से यहाँ पे आपका राशि भविष्य देख सकते हैं। मित्रों, इसके साथ में ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसे मैं हर राशि भविष्य के वीडियो में देता हूँ, कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है, किसी भी पहलू से संबंधित कोई भी समस्या है, तो निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपके नाम, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, जन्म स्थान और आपका जो प्रश्न है यानी आपकी समस्या है वो आप हमें बताएं। आपकी पत्रिका बनाकर उसमें ग्रहों का विशिष्ट प्रकार से विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करके मैं आपके साथ में कॉल पर आपकी समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। कॉल पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपकी समस्या का हम लोग कारण भी जानेंगे और उसके निराकरण के मैं उपाय भी दूंगा। और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर किसी की भी जन्म तारीख या जन्म समय आपको मालूम नहीं है, तो उसमें भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ये बताएं कि आपको आपकी जन्म तारीख या जन्म समय पता नहीं है, तो वैसी परिस्थितियों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली का विकल्प दिया है, वो प्रश्न कुंडली बनाकर वैसे ही मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा। कॉल पर बात करते हुए आपकी प्रश्न कुंडली बनाएंगे और उसमें प्रश्न कुंडली में से आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, जिसमें आपकी समस्या का कारण भी मालूम पड़ेगा, उसका निराकरण करने के लिए क्या उपाय करना है वो भी मालूम पड़ेगा। तो आप बिना संकोच आपकी समस्या हमसे आप शेयर कर सकते हैं। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं दिनांक 20 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्य क्षेत्र में आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया जैसी परिस्थिति होने वाली है। थोड़ा आर्थिक नियोजन करके रखें और मानसिक संतुलन बना के रखें, ताकि कहीं पर भी कोई जल्दबाजी वाले निर्णय से आपका खर्चा ज़्यादा और ज़्यादा न बढ़ जाए और आपको आर्थिक नुकसान का लाभ भोग न बनना पड़े। पारिवारिक जीवन में परिस्थिति सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी का व्यवहार आपको ज़्यादा संवेदनशील होता हुआ आज दिखाई देगा। सेहत में, खाने पीने में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, यानी नियमितता तो पाल के रखनी है, लेकिन जो चीज़ आपको मालूम है कि आपके सेहत को सूट नहीं करती, आपके सेहत को वो अनुरूप नहीं होती, वैसे पदार्थ आज के दिन में किसी भी हालत में ना खाएं, अन्यथा पेट में जलन अथवा एसिडिटी महसूस होने की संभावनाएं बनेंगी। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज अपने आत्मविश्वास पर काबू रखना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति में आज ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके, यानी ज़्यादा आत्मविश्वासी होके आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, अन्यथा आपका निर्णय आज व्यावसायिक तौर पर गलत होने की संभावनाएं रहेंगी, जिससे आने वाले समय में आपको शायद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर परिवार में आज बिना कोई कारण मन की बेचैनी आपके परिवार के सदस्यों के साथ असंतोष पैदा कर सकती है। हो सके तब तक अपना मानसिक संतुलन पारिवारिक जीवन में बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई मुख्य महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव दिख नहीं रहे हैं। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को आज व्यवसाय में आपने जो कार्य किए हैं उसमें आज आपको प्रशंसा मिलने की संभावनाएं हैं, उसकी सराहना आपकी होगी। परिवार में हर एक सदस्य के तरफ से आपको सहयोग मिलेगा और साथ में जो मन चाहा आपका सब आपको जो मन चाहा सहकार है वो भी आपके परिवार के सदस्यों की तरफ से मिलेगा, जिससे आपको मानसिक खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य में जिनको गले से संबंधित या स्वर पेटी से संबंधित किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन हुआ है, उनको आज दवाई में लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा परेशानी लंबे समय तक चल सकती है। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को आज
आकस्मिक कोई व्यक्तिगत काम आ जाने के कारण आपका जो व्यावसायिक कार्य है वो कहीं ना कहीं पर ठहर जाएगा, या तो उसके प्रति आप लापरवाह हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो रोज़ाना व्यावसायिक कार्य है उसमें कहीं ना कहीं पर अड़चन पैदा हो सकती है। आपके ज़्यादा भावुक या संवेदनशील स्वभाव के कारण आज आपके परिवार के सदस्यों में ज़्यादातर लोगों को घुटन महसूस हो सकती है। हो सके तब तक अपनी भावुकता और संवेदनशीलता पर काबू रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज पानी या तो तरल पदार्थ आपको ज़्यादा सेवन करना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन या तो चमड़ी का सूख जाना वैसी परिस्थिति होने की संभावनाएं रहती हैं, वैसी परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ सकता है। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धी या तो किसी सरकारी खाते के अधिकारी से परेशानी होने की संभावनाएं बनती हैं, विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कोई आपका काम अगर बनता हुआ है वो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। तो हो सके तब तक अगर बहस वाली कोई परिस्थिति दिखाई दे तो वहाँ से आप खुद को दूर कर लें, ताकि वैसी कोई परिस्थिति अघटित परिस्थिति उत्पन्न ना होने पाए। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। सेहत में आज आप खुद को बहुत ही सेहतमंद महसूस करोगे, सेहत में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को आज शारीरिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कारण आपका जो रोज़बरोज का जो रोज़ाना आपका व्यावसायिक क्रम है, या तो व्यावसायिक जो आपका पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ सकता है, या तो उसकी वजह से आपका जो व्यावसायिक काम है उसमें कहीं ना कहीं पर अड़चन पैदा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सभी सदस्यों का एक दूसरे से सहकार और संवेदनशीलता बने रहेंगे, पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। सेहत में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार का कोई लंबे परेशानी वाला रोग आपको लागू न पड़े, या तो आपको उसका भोग न बनना पड़े। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज वरिष्ठ अधिकारी या तो सरकारी अधिकारी से संबंध काफ़ी अच्छी बनेंगे, या तो जिनके साथ में थोड़े बहुत संबंध में कचासा ही है उनके साथ में आज संबंध सुधरने की संभावनाएँ भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो आपके हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, आपके नौकर हैं, या तो आपके हाथ नीचे कार्य करने वाले आपके सहकर्मी हैं, उनसे आज आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। शरीर में अंदरूनी गर्मी जो है वो बढ़ने की आज संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण सेहत में आपको मानसिक व्यग्रता महसूस हो सकती है। हो सके तब तक शरीर के अंदरूनी गर्मी बढ़े नहीं, ऐसे पदार्थ का आज सेवन ज़्यादा करें। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को आज शारीरिक परिश्रम के साथ सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में माता या तो माता तुल्य किसी गृहस्थ जो गृहिणी है आपके घर में, उनके स्वास्थ्य से संबंधित आज चिंता रहेगी, या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आज आपका दिन व्यस्तता वाला बीतेगा। आपका खुद का अगर स्वास्थ्य देखें तो सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन दिन के आखिर में, क्योंकि हो सकता है कि जो परिवार में जो भी सदस्य का आपका जो सेहत का ख्याल रखना है उसके लिए जो भागदौड़ करनी पड़े, तो दिन के आखिर में आपको थोड़ी सी नसों में जकड़न वगैरह महसूस होने की संभावनाएं रहती हैं। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज आर्थिक परिस्थिति को चलाने और आगे बढ़ाने में परेशानी महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खास करके जीवन साथी के साथ आज उग्र विवाद की संभावनाएं हैं। हो सके तब तक अपने गुस्से के ऊपर या तो अपने ज़्यादा संवेदनशीलता के ऊपर आज काबू रखें। जिनको किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या तो मानसिक किसी भी प्रकार की बीमारी के भोग बने हैं, उसमें से बाहर निकलने का आज आपको मार्ग मिलेगा, जिससे आपको संतुष्टि महसूस हो सकती है। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को आज व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा काम के बोझ से मानसिक तनाव भी आपको महसूस होगा, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन है वो शायद अस्थिर हो जाए। पारिवारिक माहौल सुहाना और बहुत ही सहयोगी होगा, जिसकी वजह से जो आपका व्यावसायिक तनाव का जो माहौल बनने की संभावनाएं हैं उसमें से आपको बाहर निकलने में आपका परिवार का माहौल बहुत ही मददरूप होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज हो सके तब तक बाहर जंक फूड वगैरह खाने से परहेज करें, अन्यथा आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की, यानी फूड पॉइजनिंग या तो किसी भी प्रकार के खाने की एलर्जी होने की संभावनाएं बनती हैं। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को आज कामकाज में जो
जिस तरह से आप जिस तौर पर आप काम करते हैं, या तो आजीविका के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से आप प्रयत्न करते हैं, उसमें आज नए विकल्प मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो विकल्प आपको आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होंगे। पारिवारिक माहौल में जीवन साथी के नम्रतापूर्ण व्यवहार के कारण और जिम्मेदाराना वर्तन के हिसाब से आज आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज का जो दिन है वो आर्थिक समाधान के नए रास्ते खोलेगा। हो सकता है कि किसी भी प्रकार के आपने व्यावसायिक ऋण यानी जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है, या कहीं से आपने कोई आपके पर्सनल रिश्ते में कोई किसी भी प्रकार के आर्थिक नियोजन करके रखे हैं, वो आज रास्ते खुलेंगे। उसमें आज आपकी बात बनने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके कारण आपको मानसिक संतुष्टि महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में किसी भी बिना किसी वाजबी कारण के सिवा मानसिक उग्रता बनने की संभावनाएं बनती हैं, जिसके कारण पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा बहुत अस्थिर होने की संभावनाएं रहती हैं। हो सके तब तक अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ या तो श्वसन क्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की एलर्जी आज आपको परेशान कर सकती है। हो सके तो आपको किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी है, यानी धूल मिट्टी की या तो किसी भी प्रकार की सुगंध से या तो गंध से, तो हो सके तब तक वैसे जगह पे जाने से आज परहेज करें, ताकि अपने आप को आप स्वास्थ्य से जो भी परेशानी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उससे दूर रख पाएं। तो मित्रों, ये थी दिनांक 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन के राशि भविष्य की जानकारी। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारा श्री मंदिर यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दैनिक भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल रहे, मंगलमय रहे और आप सब लोग सेहतमंद रहो, मैं आपके साथ आपके पास आज्ञा मांगता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।